पसंद है ये ब्रेकफास्ट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगता है रोज रोज ब्रेड खाना? हाँ अच्छा लगता है, इजी इजी है, मेड है। तुम्हारे लिए ब्रेड बनता है, रोज रोज ब्रेड लाते हो रोज रोज ब्रेड लाते हो। अगर मैं ब्रेड नहीं बनाती हूँ तो ब्रेड सड़ जाता है, इसलिए मुझे रोज ब्रेड बनाना पड़ता है और खाना भी पड़ता है। अरे ये बनाने में इजी है इसलिए मैं लाता हूँ। ओके ओके चलो, काम कम करना पड़ेगा। अच्छा ओके चलो ब्रेकफास्ट कर लो, बाद में मिलती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं लेट उठी हूँ। कल रात को आपको बताया था कि बहुत रात तक मैं एडिटिंग करने वाली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की सी शिफ्ट थी, मतलब उनका नाइट शिफ्ट था। सो वो नाइट करके अभी वापस आ गए हैं, उनको मैंने ब्रेकफास्ट भी दे दिया है, सो वो अभी तो रेस्ट करेंगे। लेकिन मैं भी आज लेट उठी हूँ, 8:30 बजे उठी हूँ क्योंकि मेरा एडिटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ था 2 बजे के आसपास। तो 2 बजे के आसपास मैं एडिटिंग करके सोई तो सुबह 6 बजे उठने का तो मन नहीं कर रहा था, तो मैं आज 8:30 बजे उठी हूँ। और अभी फ़िलहाल तो मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, मैं ब्रेड नहीं खाऊँगी। मेरे हस्बैंड ने ब्रेड खाया था और बनाना खाया था, तो मैं ये कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगी। सो ये कॉर्नफ्लेक्स जो है मसल ब्लिस फिट फूड्स नाम की एक कंपनी की है, जिनकी पहले भी मैं रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। उनका चॉकलेट वाला ओट्स का और पीनट बटर का रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर किया था, तो उनके प्रोडक्ट्स जो है अच्छे लगते हैं मुझे। ये है ये इनका कॉर्नफ्लेक्स है, तो इनके कॉर्नफ्लेक्स में बहुत कुछ डाला हुआ होता है, मतलब ओट्स में भी कॉर्नफ्लेक्स में भी ये लोग ड्राई फ्रूट्स सीड्स ये सब पहले से ही डाल के रखते हैं, तो आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऊपर से मैंने एक बनाना भी ले लिया है क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैं एक फ्रूट इंक्लूड करती हूँ, चाहे वो बनाना हो या फिर एप्पल हो, कोई भी सीजनल फ्रूट हो। मैंगो भी मैं बहुत पसंद करती हूँ लेकिन मैंगो से फ़िलहाल तो मुझे एलर्जी डिटेक्ट हुई है, तो मैं मैंगो नहीं खा पा रही हूँ, वरना मैंगो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं मैंगो के सीज़न में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि मैं एक दिन भी मैंगो ना खाऊं, तो फिलहाल तो अभी मैंगो का सीज़न चला भी गया है। लेकिन फिर भी अभी भी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मैंगोज आ रहे हैं यहाँ पंजाब में, मुझे बाकी का पता नहीं लेकिन यहाँ पे मैंगोज तो आ रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, उससे भी मुझे मतलब एलर्जी हो गया था, तो मैं मैंगो अभी बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। तो अभी बस जो सीजनल फ्रूट है मौसमी, नाशपाती और ये बनाना जो पूरे साल मिलता है, ये सब अभी खा रही हूँ फिलहाल फ्रूट्स में, क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर होता है और मैं बिना फाइबर के नहीं रहती हूँ। मतलब सुबह उठकर भी मैं फाइबर के लिए लेती हूँ। चिया सीड्स वेट लॉस में भी तो हेल्प करता है और उसका फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। मैं कोशिश करती हूँ मेरे खाने में बहुत ज़्यादा फाइबर हो, उससे क्या है गट जो है क्लीन रहता है, और गट क्लीन रहेगा तो मतलब गट ही है ना जो हर बीमारी की जड़ होती है। तो अगर आप अपना पेट साफ रखोगे, पेट का ध्यान रखोगे, तो ऐसी कोई बीमारी आपको अटैक नहीं कर सकती है। तो सुबह उठकर मैंने लिया था चिया सीड्स, फिर उसके बाद मैंने जो अपना आंवला की रसायन होता है, मैं पिछले वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ। क्या है ना, बार बार एक ही चीज़ वीडियो में दिखाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने आंवला की रसायन जो आता है वो भी लिया था। वो उसमें आयरन विटामिन सी बहुत अच्छा होता है और वो मैं स्पेशली ले रही हूँ अपने हेयर के लिए, मतलब मॉनसून का सीज़न है तो बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब इतना हेयर फॉल हो रहा है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो उन्होंने एक सीरम दिया है हेयर फॉर यू करके, मैंने दिखाया भी था प्रीवियस वीडियो में, जो मेरा नाइट टाइम रूटीन था उसमें मैंने दिखाया था कि मतलब हेयर फॉर यू सीरम मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। और सुबह उठकर मैं ले रही हूँ ये आंवला की रसायन और रात को खाना खाने के बाद भी लेती हूँ हाफ चम्मच। तो अभी तो यही मॉर्निंग रिचुअल है फिलहाल, कभी मेथी वाटर, कभी चिया सीड वाटर, कभी किशमिश का पानी, कभी एप्पल साइडर विनेगर, कभी और नींबू का पानी भी रिसेंटली मैंने ऐड किया है, वो है स्किन के लिए, मतलब स्किन में भी पिंपल्स आ रहा है। ये मॉनसून का सीज़न ही ऐसा है, मतलब पिंपल आता रहता है, हेयर फॉल होता रहता है, स्किन रफ एंड ड्राई हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो बहुत सारा पसीना होता है, अब बार बार स्किन को पोंछते हो तो ड्राइनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है स्किन में, तो ये सब तो चलता ही रहता है। सो ओके, बहुत सारी बातें हो गई है, अभी फ़िलहाल मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी थोड़ा सा वीडियो का भी काम है, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। सो अभी तो फ़िलहाल मैं बैठ के करूँगी अपने एडिटिंग कंप्लीट। एडिटिंग हो चुका है, थोड़ा सा एक्सपोर्ट करना है और शॉर्ट्स में थोड़ा सा वॉइस ओवर देना है, तो अभी मैं ये काम कंप्लीट करके फिर लंच बनाऊँगी। लंच बनाते टाइम आपसे मिलती हूँ। तो आज मैं कुछ ज़्यादा खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि
पंजाब में यहाँ पे बहुत गर्मी है और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मतलब दो दिन पहले थोड़ा सा बारिश हुआ था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। मतलब उससे ह्यूमिडिटी दोबारा बढ़ गया है और गर्मी भी बढ़ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड कल नाइट शिफ्ट करके आए हैं तो अभी बोल रहे हैं कि कुछ खाने का मन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आ रही है क्योंकि उसके बेटे को हो गया है कंजंक्टिवाइटिस। अभी कंजंक्टिवाइटिस इतना फैला हुआ है कि मतलब हर घर में हो रहा है, और मुझे हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा और मेरे हस्बैंड को भी हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला है नहीं, बेटे को हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अभी थोड़ा सा टाइम ले लो, जब वो ठीक हो जाए फिर आना। तो इसीलिए अभी सारा काम मुझे करना पड़ रहा है और खाना बनाने, और इतनी गर्मी में इतना सारा काम करने के बाद मुझे खाना बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि आज कर्ड राइस खाएंगे, कर्ड राइस हेल्दी भी होता है और गर्मी के लिए अच्छा भी होता है। और एक बात है, आज शाम को हम दोनों का इन्विटेशन है तो वहाँ पे भी जाना है, और इन्विटेशन में जाओ तो इधर उधर का खाना थोड़ा सा हो ही जाता है। तो इसीलिए आज हमने डिसाइड किया कि प्लेन कर्ड राइस खाएंगे और साथ में मैं थोड़ा सा सलाद बना दूंगी। सो इसी से लंच करेंगे आज हम अपना। तो अभी बस राइस बिठाया है मैंने, कुछ मतलब सैलड वैलड काटा नहीं है क्योंकि घर का काम अभी भी बहुत सारा बाकी है। तो मैं पूरा घर का काम कंप्लीट कर लूँगी, साफ सफाई कर लूँगी, किचन की भी साफ सफाई कर लूँगी। तो अभी तो फटाफट मैं सारा काम खत्म कर लेती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे। छुट्टी रहता है एक्चुअली उनका शिफ्टिंग ड्यूटी होता है तो संडे उनका ऑफ नहीं होता है, उनका कोई भी एक दिन ऐसे ऑफ हो सकता है, वो रोटेशन वाइज आता है। तो अभी तो फ्राइडे उनका छुट्टी चल रहा है फिलहाल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम दोनों बैठकर ग्रीन टी पियेंगे। मैं ग्रीन टी बना के लाई हूँ, यहाँ पर है मेरे हस्बैंड। से हाय टू द कैमरा, हाय बोल दो। हाय। सो मेरी जो हेल्प है तो वो आज नहीं आई है। तो मैंने बोला था आपको उसके बेटे को कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, तो हमने उसे छुट्टी दे दिया है कि चलो जब ठीक हो जाओ तब आ जाना। तो इसीलिए आज सारा काम मुझे करना पड़ा है। तो दोपहर को और मन नहीं कर रहा था कि सब काम करके एडिटिंग करके खुद का काम संभालने के बाद बैठ के स्किन केयर करूं। सो दोपहर को मैं थोड़ा सा सो गई, हम दोनों ही सो गए थे एक्चुअली क्योंकि कल उनका नाइट शिफ्ट था और फिर आज नाइट शिफ्ट करके आए हैं। तो
वो भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी। सो अभी उठी हूँ कुछ देर पहले। गर्मी बहुत है, व्लॉग करने के लिए पंखा ऑफ रखना पड़ता है और एसी भी ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि ये वाला जो हमारा एसी है इसको हम साइलेंट मोड पे नहीं रख सकते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा आवाज़ आता है और जिससे बैकग्राउंड नॉइज़ क्रिएट होता है तो मेरा वॉइस बहुत ही मतलब ख़राब आएगा। सो इसीलिए इतना पसीना आ रहा है, इतना स्वेटिंग हो रहा है मुझे। तो ठीक है, ग्रीन टी पी के फिर रेडी होना है मुझे। फ्रेश होने के बाद मतलब फेस वॉश करूंगी, थोड़ा सा स्किन केयर करूंगी, फिर रेडी होंगी। आज एक गेट रेडी विथ मी भी शूट करूंगी, तो वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी। मतलब ये व्लॉग जब आएगा इससे पहले ही आ जाएगा वो, तो उसमें देख लेना कि मैंने कौन सा आउटफिट पहना है। यहाँ पर भी शेयर करूंगी फिलहाल मैं कौन सा आउटफिट पहनूंगी या फिर कौन सा ज्वेलरी पहनूंगी, क्या करूंगी, यहाँ पर भी शेयर करूंगी। लेकिन गेट रेडी विथ मी का अलग से एक शॉर्ट आएगा, तो उसमें देख लेना। ठीक है, तो चलो तभी तो हम दोनों चाय को एंजॉय करते हैं और मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। हाय गाइस, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ पार्टी में जाने के लिए। ये कोई पार्टी मतलब ये एक बच्चे का बर्थडे पार्टी है, तो मेरे हस्बैंड के जो ऑफिस कोलीग हैं उनकी बेटी का मतलब 1 ईयर का बेटी है। सो उनकी 1 ईयर की बेटी का पहला बर्थडे है आज, मतलब 1 ईयर का तो पहला ही होगा बर्थडे। सो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, इसलिए लुक को बहुत ही सिंपल रखा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ, बहुत लाइट मेकअप करती हूँ। तो इस लुक को जो मैंने क्रिएट किया है इसके ऊपर एक गेट रेडी विथ मी मैंने शूट किया है। मैं अपना शूट जो है पूरा नेचुरल लाइट में करती हूँ। मेरा रिंग लाइट जो है घर पे रख के आई हूँ, यहाँ पर लेकर नहीं आई थी। तो यहाँ पे एक रिंग लाइट खरीदना था मुझे, तो वापस जाते वक्त सोच रही हूँ दिल्ली से खरीदूंगी। तो कौन सा रिंग लाइट लिया है आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी, मतलब जब लूंगी तब। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं है यहाँ पर, और मुझे ऑनलाइन से ऑर्डर नहीं करना है, मतलब सामने से देख के मार्केट से खरीदना है। तो नेचुरल लाइट नहीं था और रिंग लाइट भी नहीं था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो डल हो सकता है वीडियो की क्वालिटी, पर मैंने पूरा गेट रेडी विथ मी शूट किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल सा लुक है और यहाँ पर एक पिंपल जो आया है बहुत ही खराब लग रहा है, मतलब इसको मैंने बहुत कवर करने की कोशिश किया है लेकिन ये कवर नहीं हो पा रहा है। ये पिंपल बहुत बड़ा हो चुका है, मतलब पार्टी अगर 2-3 दिन बाद होती तो ये पिंपल इतना बुरा तो नहीं दिखता, लेकिन आज मेरी किस्मत ही ऐसी है। मतलब कुछ भी हो, जब मेरे कॉलेज में फेस्ट था, फेस्ट के दिन मेरे यहाँ पर 3-3 पिंपल आए थे। मतलब कोई भी स्पेशल जगह पे जाना हो, कोई भी फंक्शन अटेंड करना हो, तो एक आध पिंपल मेरे फेस पे आ जाता है। तो ये मेरे साथ होता है, अभी तो मतलब आदत हो चुकी है इसकी, लेकिन आज नहीं आता तो अच्छा रहता। 2-3 दिन बाद आता पिंपल तो ठीक था, या फिर पार्टी 2-3 दिन बाद होती तो अच्छा रहता। सो एनीवे, अभी हम जा रहे हैं पार्टी में। मेरे हस्बैंड अभी रेडी नहीं हुए हैं, मैं पहले रेडी हो चुकी हूँ। हाँ, ये बहुत मतलब रेयर केस है, हमारे केस में मैं पहले तैयार होती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत लेट से तैयार होते हैं, क्योंकि मैं जब तैयार होती हूँ वो बेड से उठते ही नहीं है तभी, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है तैयार होने जाते हैं। तो हमारा केस थोड़ा सा उल्टा है। सो मैं रेडी होकर वेट करती हूँ, फिर वो रेडी होते हैं। सो अभी रेडी हो रहे हैं, मेरे हस्बैंड वॉशरूम में हैं। सो हाँ, अभी ये रेडी हो जाएंगे तो हम दोनों निकलेंगे पार्टी में। सो मैं आपसे मिलती हूँ पार्टी में चल के। सो ये है वेन्यू जहाँ पर उन्होंने अपना बर्थडे पार्टी मतलब अपने बेबी का बर्थडे पार्टी थ्रो किया था, होटल आशा। ये हमारे घर से कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं है, मतलब 10-15 मिनट में हम लोग पहुँच गए थे हमारे स्कूटी में यहाँ पे। ये था मेरा आउटफिट जो मैं पहन के गई थी, आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी फोटो वगैरह भी क्लिक किया था। सो वहाँ पहुँचते ही कुछ देर में स्टार्ट हो गया था केक कटिंग। सो ये है केक और ये था एम्बियंस। एम्बियंस वाज वेरी वेरी गुड, मतलब डेकोरेशन मुझे काफी अच्छा लगा है एक बच्चे के लिए। ये जो हॉल है बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा हॉल है। और फिर केक कटिंग के बाद हम गए थे बेबी को गिफ्ट देने, और गिफ्ट देते वक्त हमारा पिक्चर भी क्लिक किया जा रहा था, तो इसलिए हम लोग ऐसे खड़े थे। सो हमने फिर गिफ्ट वगैरह दिया, बेबी को थोड़ा सा प्यार किया, और फिर ये था बर्थडे केक जो की बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। और बर्थडे केक खाने के बाद थोड़े थोड़े स्टार्टर्स भी खाए थे। स्टार्टर्स में थे वेज मंचूरियन बॉल, पापड़ी चाट, दही वड़ा और कुछ फ्राइज एंड कटलेट्स भी थे, और भी बहुत कुछ स्टार्टर्स में थे, लेकिन सब कुछ तो नहीं खाया क्योंकि मेन कोर्स भी थोड़ा सा खाना था। फिर भी इतना सा स्टार्टर्स खा के ही हमारा पेट जो है भर चुका था। मेन कोर्स भी बहुत कुछ था। ये लोग प्योर वेजिटेरियन है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, सो खाना भी प्योर वेज था, तो मेरे लिए काफी अच्छा था क्योंकि मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ। सो एक ही प्लेट से मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा शेयर करके खाया था। सब कुछ तो नहीं खाया था, लेकिन जो जो हमें पसंद आया वो सिलेक्ट करके थोड़ा बहुत खाया था। और लास्ट में था हॉट गुलाब जामुन एंड आइसक्रीम, और भी डिजर्ट्स थे लेकिन ये वाला डिजर्ट हमारा फेवरेट था तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा। और फिर वहाँ पे डांस फ्लोर भी था, सभी जाकर डांस कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ी सी शाय हूँ तो मैंने डांस नहीं किया, मैंने बस रिकॉर्ड किया। अगर डांस करती तो आपको ज़रूर दिखाती।
अभी बज रहे हैं रात के 11। तो बर्थडे पार्टी ओवर हो चुका था। बर्थडे पार्टी में बहुत मजा किया, बहुत हम लोगों को अच्छा लगा। सो एंजॉय करके हम अभी घर वापस आ चुके हैं। मेरा स्किन केयर वगैरह भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो अभी बस सो जाऊंगी और कुछ भी करने का मन नहीं है। मतलब एडिटिंग बाकी है, कल सुबह उठ के करूंगी। कल मेरे हस्बैंड के मॉर्निंग शिफ्ट है तो वो 5 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे तक निकल जाएंगे। तो उसके बाद उठकर मैं उठ तो जाऊंगी 5 बजे ही, लेकिन मतलब वो निकल जाएंगे, फिर उठकर मैं एडिटिंग कंप्लीट कर लूंगी। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।